नमस्कार, मैं हूँ ज्योति झा और इंडियन फूड विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर की मसालेदार सब्ज़ी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल इंडियन फूड विद ज्योति को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कुकिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पनीर की स्पाइसी सब्ज़ी बनाने के लिए जो सामान यूज़ में लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक बड़ा सा प्याज जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये आपका एक टमाटर लिया है जिसे इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। ये आपका नमक, ये ऑयल है और ये 250 ग्राम पनीर, मैंने अमूल का फ्रेश पनीर लिया है। ये धनिया की पत्ती है और उसके बाद ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये है आपका काला ज़ीरा, ये गरम मसाला पाउडर और ये है आपका हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर 2 चम्मच और ये है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये कुछ खड़े मसाले हैं, तेजपत्ता है और दालचीनी, लौंग, इलायची, ये मैंने ले लिया है। तो अब हम लोग इसे बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये मैंने इतना ऑयल डाल दिया है क्योंकि मुझे इसमें पनीर को फ्राई करना है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। अगर आप पनीर को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पनीर फ्राई हो रहा है, बस इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह मैं सारे पनीर फ्राई कर लूंगी। अब इसी ऑयल में मैं ये अपने खड़े मसाले, तेजपत्ता, ये 2-3 इलायची, छोटी इलायची और ये 4-5 लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा और ये काला ज़ीरा, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। बस ये पकेगा फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। देखिए, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और प्याज को सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे चला देंगे इसका कलर चेंज होने तक। जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे तब तक इसे चलाते रहना है। अब इससे खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें ये कटा हुआ टमाटर डालेंगे और साथ ही नमक भी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और इसे चलाते रहेंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए अच्छी तरह से। प्याज गल चुका है, टमाटर भी गल चुका है, अब हम इसमें ये जो धनिया की पत्ती है वो डाल देंगे, इसे चला देंगे फिर और साथ ही इसमें पानी भी डाल देंगे। हल्का पानी डालिए, आपको जैसा ग्रेवी इसका रस रखना है आप उस तरह से रख सकती हैं। देखिए, मैंने हल्का ही पानी डाला है, अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, मसाला पक चुका है अच्छी तरह से और पनीर डालने के बाद इसे बस 2 से 3 मिनट पकने देना है।
दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और इसे चला दूंगी। अब ये हमारा पनीर का जो सब्जी है, स्पाइसी सब्जी हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। अब मैं इसे इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल के इसे गार्निश करूंगी। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे रोटी के साथ, नान, चावल, पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, आपको जिस भी चीज़ के साथ अच्छी लगे। और आप इसे घर में बनाइए, अपने पूरे परिवार के साथ खाइए और अनुभव, आप अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि आपको ये स्पाइसी पनीर की सब्जी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।